एमपी के नीमच में पिछले दिनों से बीच बीच में हो रही बेमौसम बरसात व ठंड के बाद हरी सब्जियों के दामों में एकदम आग से लग गई है। एक तरफ तो बरसात से सब्जियों की आवक कम होने से महंगाई बढ़ी है, तो दूसरी तरफ पाला गिरने से सब्जियों की कीमत तो 2 से 3 गुना तक पहुंच चुकी है। सब्जियों का उत्पादन गिरने से आवक घट गई है, जिसका असर आम जनता के जेब पर भी पड़ा है, जिसके चलते आम जनता महंगी सब्जियों को खरीदने से बच रहे हैं, मगर ज़रूरती सब्जियां उन्हें महंगे दामों पर खरीदना पड़ रही है। इस मौसम में भी महंगी है, वैसे तो हर मौसम में सब्जियां सस्ती हो जाती है, पर इस बार जैसे जैसे ओस पड़ रही है उस कारण सब्जियों का भाव बहुत महंगा हो रहा है। जैसे टमाटर है, आलू है, इस मौसम में तो मतलब सस्ती मिल रही थी, लेकिन इस मौसम में भी भाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे हम लोग तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो गरीब है जो उनका क्या हाल होगा, मतलब तो बहुत परेशानी है इस वजह से सब्जी को। अभी जैसे टमाटर है, आलू है, और इधर गोभी वगैरह सभी, पालक जो सस्ता होना चाहिए वो भी बहुत महंगा मिल रहा है। अभी बोल रहे कि जो ओस गिरी है इससे फसल को नुकसान हो रहा है, इस कारण वो सब्जी को महंगा बता रहे हैं। जी ये बर्फ गिरने से पाला पट रहा है, जैसे तो ये बैंगन है, टमाटर है, मटर है, इन सब्जियों में क्या डाल लगता है तो ये क्या है कि खराब हो जाती है। खराब होने के कारण मंडी में जाते हैं, मतलब भाव कम ज़्यादा रहता है उसका, माल कम होगा तो ज़्यादा ही रहेगा भाव। और ये पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इन पे भी मतलब ख़राब होती है, ये भी पत्ते पीले पड़ रहे हैं और ये भी नुकसान ही है इसका भी। जो सर्दी हो रही है, जो 15-20 दिन से जो ऐसा मौसम हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं पाला गिर रहा है। अभी 8-10 दिन पहले जो पाला गिरा था ना, उसमें जो मेथी, पालक, गोभी, इन पे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। मटर ये रेगुलर क्या है, इनकी आवक कम हो गई और इनके भाव बढ़ चुके हैं। भाव तो मटर बिक रही 30 से 40 रुपए किलो, गोभी बिक रहा 40 रुपए किलो, पालक 15-20 रुपए किलो, मेथी 20 रुपए किलो, टमाटर आज 25 रुपए किलो हो गया है। तो टमाटर आज से 10 दिन पहले 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, आज 25 रुपए किलो टमाटर हो गया है। सब्जी में कमी होने के कारण सर ये सर्दी से जो सब्जी उत्पादन नहीं हो रहा है, माल लग नहीं रहा, हवा ऐसे चल रही है और इससे पाला की संभावना है। जैसे 2-3 दिन पहले पाला गिरा था, अभी और गिरने की संभावना है, जिससे सब्जी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।